आज ही जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे अमेरिका के, और लॉयड ऑस्टिन उनका नाम है, वो फोर स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डूमोर का मुतालबा कर दिया, वो पत्ता फेंक दिया डूमोर वाला उन्होंने, उन्होंने बड़ी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे, पाकिस्तान ने जो है टेररिज्म के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी में बड़ा काम कर रहा है, अफगानिस्तान के मामले में बड़ा काम किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा, ये बात। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, पर करते हैं वीडियो के बारे में। इकोनॉमी में और साउथ एशिया के डिविजन्स को सरबराही करेंगे जो इंडियंस ओरिजन के हैं। अब जाहिर है अमरीकी हैं, अब इंडियन तो नहीं रहे, लेकिन वो इंडियन ओरिजन के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ एशियन डिपार्टमेंट, उसका डायरेक्टर एक इंडियन ओरिजन का है। देखिए कहीं ना कहीं वफादारी निकलेगी, कहीं ना कहीं मोहब्बत नज़र आती है, कहीं ना कहीं कमला हैरिसन अपने आप को कमला देवी हैरिसन कहती हैं। कल का हाल हम देख लें आप, तो पूरा पूरा नाम उन्होंने लिया है अपना। तो फिर डेमोक्रेट्स की अपनी पॉलिसी ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसराइल को वो कहते हैं कि हम यरूशलम को, बैतुल मुक़द्दस को दारुलहुकूमत रहने देंगे, वही पॉलिसी चलेगी मिडल ईस्ट के अंदर जो ट्रंप की पॉलिसी थी। बहुत से मुल्कों में ट्रंप की पॉलिसी, इंडिया के साथ जो पॉलिसी ट्रंप की थी बेहतरीन ताल्लुकात की, वो कंटिन्यू करेगी। सही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स के मसले पर डेमोक्रेट्स का अपना रिकॉर्ड है, मतलब अच्छा आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छे फैसले भी हैं और कुछ माजी के वो फैसले भी हैं जिस पर नए अमेरिकी सदर जो हैं वो उनको एज पर कंटिन्यू करेंगे, तो एक बैलेंस नजर आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम फैसले सबके हक में जाएंगे। ठीक है अनिका, यहाँ पर एनबीसी ने मिडिल ईस्ट की बात की, मैं आऊंगी अमरीका के यूरोपीय यूनियन और इससे अलग होने वाले मुल्क बरतानिया के साथ मामले की, उस पर अभी खामोशी का हाल बरकरार है, वहां पर कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई है, वहां पर भी कोई पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए सबसे पहले तो जरा हमें सदर ट्रंप और सदर बाइडेन का मुवाजना करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहने को बहुत ही अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए बड़े एक अजीबोगरीब और बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के अमेरिकी सदर के तौर पर सामने आए, एक ऐसे सदर जिन्होंने अमेरिका में फूट डाल दी, ऐसी डिवीजन क्रिएट कर दी जिसको सिविल वॉर के बाद पुर करने की हमेशा से कोशिशें की जा रही थी, और ओबामा के आने के बाद ये सोचा गया था कि शायद अब अमेरिका इतना जेल टुगेदर हो चुका है कि उसके बाद अब इसको कोई इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा कि सफ़ेद लोग अलग, स्याफाम लोग अलग, लेकिन ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यानी समहाउ द अदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी, चाहे आप उसको ग्रेट अमेरिका से व्हाइट वॉश करने की कोशिश करें, लेकिन इस डिविजन की एक्सेप्टेंस थी। लेकिन सदर ट्रंप चाहे जितने खराब सदर हों, उनके ज़माने में जंगे जो हैं वो नहीं की गई, इसी को वो अपनी बहुत बड़ी एक विक्ट्री के तौर पर भी मानते हैं कि देखे बाकी सारे सदर आए, उन्होंने जंगे की या जंगों को आगे बढ़ाया, जंगों को तरवीज दी, मैं जंगों को खत्म करने की बात कर रहा हूं। आज तकरीबन 2500 के करीब ट्रूप्स रह गए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के, जो कि आज से 3-4 हफ्ते पहले तक 5000 तक थे, तो वो सदर ट्रंप इस बात का क्रेडिट जरूर लेते हैं। अब जरा जो बाइडन की तरफ आते हैं, जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम पर, और ये बड़े तवील अरसे से अमरीकी सियासत का हिस्सा है, ये बहुत करीब हैं अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे, और ये याद रखिए कि जब सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, तो उन्हीं की टीम के बहुत सारे लोग जो वहां गए थे, उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि वहां हम लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट के हार्डकोर लोग थे उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा वेलकम बिहेवियर नहीं नजर आ रहा था। सदर ट्रंप का बिहेवियर जरा मुख्तलिफ था, वो अनकन्वेंशनल किस्म के सदर थे, इसलिए हमें वेलकम भी कर रहे थे। तो बहुत सारी बातों के अंदर जहां बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, वहां हम लोगों को एटलीस्ट जंग है और डूमोर का मुतालबा है उससे जरा हम अलग रहे। आज ही जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे अमरीका के, लॉयड ऑस्टिन उनका नाम है, वो फोर स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डूमोर का मुतालबा कर दिया, वो पत्ता फेंक दिया डूमोर वाला उन्होंने, उन्होंने बड़ी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे, पाकिस्तान ने जो है टेररिज्म के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी में बड़ा काम कर रहा है, अफगानिस्तान के मामले में बड़ा काम किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा, ये बात उन्होंने इंडिया के लिए नहीं की। क्यों नहीं की? हालांकि यहां से कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, स्टेट टेररिज्म
कश्मीर के अंदर हो रही है. चलो रिजर्व योर कमेंट्स, फिर मैंने नेक्स्ट इस डिसइन्फो ऐप के मामले पर ध्यान निकल. लेट मी जस्ट क्विकली यू नो वाइंड इट डाउन कि अमेरिका को यह नजर नहीं आया कि कितने अरसे से भारत जो है वो फेक प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, कितनी सारी चीजें कर रहा है, भारत के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से डूमोर के मुतालबा कर दिया. तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ऑल गुड एंड यू नो अ बेड ऑफ रोजेस के तौर पर देखें. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. मुजम्मिल साहब, फिर यहां पर मैं इशारा दूंगी उस तरफ का साउथ एशिया पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, और फिर डिपेंड ये भी कर रहे हैं कि एक 8 बरस का कानूनी जो है वो मुआहदा निकाला जाएगा तारकीन वतन को शहरी देने के हवाले से, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें जो जिनकी पैदाइश वहां पर हुई है उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से जो है वो अहकाम जारी किए जाएंगे. तो कुछ बेहतर होगा अब वहां पर. देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की है कि आज से कुछ 10-12 साल पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 9/11 के बाद साउथ एशिया रीजन के अपने डेस्क से निकाल दिया था. अब उनका जो डेस्क साउथ एशिया को देखता है वो पाकिस्तान को नहीं देखता, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अलग डेस्क है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखता है, और वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नजर से देखते हैं और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की नजर से देखते हैं. तो ये दो मुल्कों के लिए वहां एक अलग डेस्क है स्टेट डिपार्टमेंट में. अब वो हमें इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया रीजन के साथ वो हमें डील नहीं करते. और ये पॉलिसी को ट्रंप की नहीं थी, ये ओबामा की थी, और उससे पहले 9/11 के बाद ये बात तय हो गई थी कि हम उस देश से अलग हो गए. इसलिए अमेरिका की जो साउथ एशिया की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान हमें हमेशा माइनस नजर आता है, और वो माइनस अब भी नजर आएगा. जैसे कि अभी अनिका ने कहा कि उन्होंने डू मोर की बात की, बाकी ये बात पाकिस्तान में जो तब्दीली के नाम पर हुकूमत आई है उसके लिए एक बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर कोई तब्दीली के नाम पर हुकूमत में आए तो उसके लिए एक दिन भी बहुत होता है तब्दीली लाने के लिए. तब्दीली के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने भी एक दिन में अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कर लिए थे, चाहे वो इंप्लीमेंट हुए या ना हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच क्लियर कर दी थी. और अगर आज जो बाइडन भी तब्दीली के नाम पर उसको अनडू करने के लिए आए हैं तो उनके लिए भी एक दिन बहुत है. ये जो हमें राग सुनाया जाता है कि तब्दीली के लिए बड़े साल चाहिए और बड़ी दिहाइयां चाहिए और एक दिन में तब्दीली नहीं ला सकते, मैं एक दिन में रियासत मदीना कहां से बना लूं, उन्हें समझाएंगे जिन्होंने बनानी होती है ना, उनके लिए एक दिन भी बड़ा होता है हुकूमत का. दूसरी बात यह है कि ये कोई फ्रेंडली रजीम अमरीका की पाकिस्तान में नहीं आई, अमरीका में नहीं आई है. ये पाकिस्तान का जो हनीमून था ट्रंप के लिए, जो हम साक्षी के लिए एक हनीमून पीरियड था जिसमें हम कुछ ले सके या नहीं ले सके. मैं उसमें बहस नहीं करता, हम तो 9/11 के बाद भी कुछ ना ले सके, और मेरा मतलब हमने मुफ्त में ही अड्डे भी दे दिए और सब कुछ दे दिया. क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि जब वक्त हो, जब अमरीका को जरूरत होती है हमारे यहाँ ऐसी हुकूमत होती है. ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम उसके मीडिएशन का फायदा या उसके एडवांटेजेस नहीं ले सके, तो जो बाइडन तो फिर उनसे बहुत आगे की पॉलिसी पर काम होगी. ये पाकिस्तान के लिए बहुत अनफ्रेंडली रजीम होगी. आयशा मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं, मतलब एक ट्रायंगल वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया है जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद, और आपने देखा किस तरीके का रिएक्शन था. ये वही पाकिस्तानी है जो इलेक्शन के पहले खुलकर जो बाइडन को सपोर्ट कर रहे थे, और अब ये बोल रहे हैं कि अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो बाइडन भारत का ही साथ देगा, और पाकिस्तान को फिर से डू मोर वाली बातें सुनाई गई हैं. आपने सुना होगा अनिका निसार को, अनिका निसार एक छोटी मोटी एंकर थी, अब एनालिस्ट बन चुकी है काफ़ी, मतलब इसने मतलब प्रमोशन हुआ है इसका, तो ऐसे भी फालतू की बात करना अभी भी बंद नहीं हुआ है. ले देकर इंडिया को बीच में घुसेड़ा गया है, इंडिया और वो पता नहीं कोई EU की कोई 4-5 विदेशियों से कोई रिपोर्ट लिखवा ली है, और उसको लेकर ऐसा ढिंढोरा पीटा जा रहा है जैसे कि मान लो मतलब ये लोग, आपको भी पता है विदेश में 4-5 लोगों को अगर आप किसी भी NGO को पैसे वैसे देकर कुछ भी करा सकते हैं. भारत के खिलाफ काफ़ी लोग बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उनको पैसे देकर अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उनको, तो वो ऐसी बातें करते रहते हैं. तो ऐसा ही कुछ पकड़े हैं बंदे पाकिस्तान ने, और ये कोई रिपोर्ट बनवा ली है EU कुछ जो भी है, और उसको बस उसका गुणगान पाकिस्तानी मीडिया में पिछले एक महीने से किया जा रहा है. इस रिपोर्ट को वो UN में लेकर जाएंगे. एक भारत के खिलाफ डॉजियर तैयार किया गया था पाकिस्तान में, जिसमें भारत में मतलब इन्होंने कुछ मतलब कैंप बताए थे, परफेक्ट उनकी गिनती बताई थी, लोकेशन बताई, मतलब अजीब सी बातें हैं. मतलब जो पाकिस्तान में खुद कैंप है, मतलब वो पाकिस्तान अपने कैंप की गिनती करके भारत, बस पाकिस्तान की जगह भारत का नाम लिखकर वहाँ जा रहा है, EU में जा रहा है. तो दोस्तों आपको क्या लगता है जो बाइडन के आने से? जो बाइडन में आपको पता है जो सेनेटर हैं बहुत सारे इंडियन हैं, लगभग 20 उनकी संख्या है, और
वो भी डिस्कशन हुआ इस वीडियो में कि पाकिस्तानी सोच रहे हैं जो इंडियन सेनेटर आएंगे उनके अंदर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए, मतलब डेफिनेटली वो कुछ सपोर्ट करेंगे, ऐसा पाकिस्तानी सोचते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो पाकिस्तान ये भी बोल रहा है कि जो अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट है कैमला हैरिस, उन्होंने अपना पूरा नाम लिया, वो बेसिकली तमिलनाडु में उनकी माँ वहाँ से बिलोंग करती थी और वो इंडियन ओरिजिन की है, ऐसा कुछ पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है। हालांकि वो तो हैं, तो उनका क्या भारत को कुछ फ़ायदा होगा? हालांकि वो जब इलेक्शन लड़ने के पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे जो डेफिनेटली इंडियंस को पसंद नहीं आएंगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट थे और वो कुछ पाकिस्तानी वाले स्टेटमेंट थे। तो दोस्तों अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, आपको भी पता है इलेक्शन के बाद सब कुछ चेंज होता है, तो क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, कैमला हैरिस और जो बाइडन के आने से भारत अमेरिका के रिश्ते में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और बाकी पाकिस्तान से तो आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे, आपके लिए हम अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा।